हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हाथ का हैंड पंप पानी छोड़ दे रहा है, इसको हम ठीक करने वाले हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हैंड पंप कैसे ठीक होता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, चलिए हम आपको दिखाने देख सकते हैं। हमने ये ट्यूबवेल को खोलने का विचार बनाया है, देखिए ये पानी नहीं दे रहा है, देख सकते हैं आप, पानी नहीं निकल रहा है। तो ये मेरा लड़का है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि बेटा तुम मोबाइल पकड़ो, मैं दिखा देता हूँ ये ट्यूबवेल कैसे खोलेगा नहीं खोलेगा। तो ये लड़का गुस्सा किया हुआ है, देख सकते हैं आप, इसीलिए मैंने अब इस बेटी को पकड़ाया है। बेटी तो दिखा देना दोस्तों, ठीक है, चलो पकड़ो उसको। खुल ही चुका है, तो गाइस देख सकते हैं शायद ये मेरा वॉशर खत्म हो चुका है। हम देखते हैं इसका वॉशर में क्या गड़बड़ी है। वॉशर को बदल के देखते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा नट खराब हो चुका था, बस ये नट जो है ढीला हो चुका था, इसी के कारण ये पानी में छोड़ दे रहा था ये ट्यूबवेल। और यहाँ पे ये नया नट लगा दिया है, नया नट लगा दिया है। और ये ट्यूबवेल देख सकते हैं पूरा अंदर खुल गया था, इसमें खुले थे लेकिन ये इसका बीमारी नहीं है, बीमारी ये नीचे से था। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं कि हमने लगा दिया है। ये हाथ का हैंड पंप है गाइस, खराब नहीं हुआ था गाइस, इसको हम गलत खोल दिए हैं, फिर हम इसको लगा रहे हैं। ये हमारा नाटक टाइट होने ही वाला है, मतलब कि अब ये पानी बिना पानी लगा लेते हैं दोस्तों, पानी उठा के दिखाने वाले हैं। हेड पंप हमारा पानी देने स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं आपको अभी दिखाए कि हमारा हेड पंप खराब हो चुका था, हम इसको ठीक कैसे किए देखिए। अब ये पानी देना शुरू कर दिया है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।